करो बेबी। देखते हैं क्या गॉड लाइक अपना रिवेंज ले पाएगी। क्लच गॉड को यहाँ पे नॉक किया जाएगा। अपने आप को हील करना चाहेंगे। आदित्य इज गोइंग फॉर द रिवाइवल ऑन टू स्काउट ओपी एंड सरांग। यहाँ पे शैडो को भी नॉक कर देंगे। अब गॉड लाइक के दो प्लस नॉक हो चुके हैं एंड रिवाइव का प्रोसेस इतना आसान नहीं रहेगा। जी को बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो सकती है। पुकार ऑलरेडी क्लोजिंग इन टुवर्ड्स अ प्लेयर जोनाथन एंड जोनाथन टेक्स हिम डाउन। पार्क That is a difficult situation. पुकार को सपोर्ट की जरूरत थी। उस समय जरा सा भी सपोर्ट मिलता तो बहुत अच्छी पोजीशन हो सकती थी। सारंग की तरफ से एक सपोर्ट आ सकता जो कि काफी अच्छा एंगल यहाँ पर लेके बैठे थे, लेकिन उनकी नजर जी गॉड पर इतनी गड़ी हुई थी कि वो फोकस ही नहीं कर पाए जोनाथन के साथ की फाइट पे। एंड अब देखिए जोनाथन आएंगे, उन्हें सजाए मौत सुनाएंगे एंड साथ ही साथ सारंग भी मैच के बाहर हो जाएंगे। जोनाथन इज नॉट स्टॉपिंग एट द स्मोक्स आर देयर। स्मोक्स अभी भी हैं। जोनाथन अपनी टीम को वापस बचा पाएंगे। पूरे चारों प्लेयर्स को लेके आए। पुकार को एलिमिनेट किया, सरांग को एलिमिनेट किया, बट यहाँ आदित्य का जो ग्रेनेड आया जोनाथन को यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा। शैडो ओजी पे भी कंफर्मेशन आ जाएगा। दैट मींस अब फिर से तीसरी बार टेबल्स हैव टर्न। क्लच गॉड भी यहाँ पे आदित्य के नॉक से ग्रेनेड से नॉक होते हुए दिखाई देंगे। स्काउट ओपी व्हीकल से यहाँ पे जोनाथन को फिनिश ऑफ करते हुए मात्र एक प्लेयर बचे हैं गॉडले की टीम में। दैट इज जी गॉड एंड स्काउट यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं डिस्टेंस एंड जी गॉड विंडो से शॉट लेके स्काउट को यहाँ पे नॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जी गॉड अकेले बचे हैं। अब स्काउट को रिवाइव तो नहीं मिल पाएगा। जी गॉड गेट्स द कंफर्मेशन एज वेल। ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। आदित्य ओपन में आएंगे, काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे लेते हुए, बट इंस्टेंट रॉक का कवर उनको मिल जाएगा। जी गॉड स्कारल के द्वारा यहाँ पे रिवेंज लेना चाहेंगे। तीन फिनिशेस ऑलरेडी हैं, चौथे फिनिश की तलाश है टुवर्ड्स आदित्य, बट आदित्य यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैंक एंगल क्रिएट करते हैं एंड इसके साथ रिच का एडवांटेज लेके जी गॉड को 1 HP पे लेके आ चुके हैं। यूएमपी 45 क्लोज रेंज में वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड पावरफुल वेपन After DBS काम आएगी आदित्य के।